हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी. सो दिस इज पार्ट टू ऑफ योर चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज टेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन. सो आई एम स्वाति एंड वी विल डिस्कस द पार्ट टू हेयर. सो बिफोर डिस्कसिंग द पार्ट टू, बिफोर स्टार्टिंग द पार्ट टू ऑफ आर वीडियो, लेट्स डिस्कस कि हमने पार्ट वन में क्या किया था. सो द चैप्टर नेम इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. वी डिस्कस्ड अबाउट सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल्स. देन वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियोप्लास्म. हमने ये पढ़ा था कि जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल बनाती है उसे, तो वो लेवल कौन सा होता है, दैट इज़ अ सेलुलर लेवल. द सेल है आपका, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होता है इसको देखने के लिए, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है आपका, वो यूज़ होता है. मैग्नीफाइंग ग्लास को ही आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हो, बट ये अच्छे से आप नहीं देख सकते. इसमें जो पर्टिकुलर शेप्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. देन वी डिस्कस्ड कि हमारी सेल की डिस्कवरी किसने की थी. तो रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की डिस्कवरी की थी, एंड ही इज़ एन इंग्लिश मैन. इन कब, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी. देन वी डिस्कस्ड कि सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो किस तरीके के होते हैं, उनकी सेल्स के हिसाब से यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, एंड मल्टीसेल्युलर मतलब कि जो मल्टी फ्यू टू बिलियन सेल्स से जो हैं बने होते हैं, दैट इज मल्टीसेल्युलर. ओके, देन व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट कि इनका जो साइज है सेल का वो कितना हो सकता है. ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द शेप्स ऑफ सेल्स, कि मैंने आपको बताया था कि सेल की शेप कैसी होती है. फॉर एग्जाम्पल चीक सेल की, मसल सेल की, बोन सेल, ये सब की शेप्स हमने डिस्कस करी थी. ऑल राइट, सो अब हम दोबारा पढ़ते हैं यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ सेल से. सो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स. अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप्स होती है, एंड द शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन एंड इट्स लोकेशन. सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी कि ये जो सेल की शेप है आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल कल हमने क्या पढ़ा था कि एक एलिफेंट है और एक आपकी क्या है, एक माउस है, राइट. तो उन दोनों में हमने कंपैरिजन करा था नर्व सेल के बीच में, कि उन दोनों की नर्व सेल में ये नहीं होता कि जो एलिफेंट की नर्व सेल है वो बड़ी हो और जो आपकी जो माउस की नर्व सेल है वो छोटी हो, ठीक है. तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके साइज़ के ऊपर. सेल जो होती हैं आपकी वो उनके फंक्शन के हिसाब से क्लासिफाई करी जाती हैं, राइट. सो शेप ऑफ सेल्स हमने डिस्कस करी थी. कुछ सेल्स होती हैं आपकी ओवल और कुछ राउंड इन शेप, एंड सर्टेन आर लाइक थ्रेड. ओके, तो कुछ ओवल होती हैं, कुछ राउंड शेप में होती हैं आपकी सेल्स, कुछ थ्रेड लाइक सेल्स होती हैं. अब जो हमारा अमीबा है, इट्स इररेगुलर इन शेप एंड कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप. तो अमीबा की जो है शेप वो इररेगुलर शेप होती है और वो अपनी जो शेप है वो चेंज करते रहते हैं. देन व्हाट वी डिस्कस कि नर्व सेल जो होती है, इट इज लॉन्ग ब्रांच एंड हैज थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस. सो द नर्व सेल इज लॉन्ग ब्रांच एंड थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन. इन केस यहाँ पर इक्वेशन यहाँ बन सकता है कि कौन सी सेल लॉन्ग होती है, ब्रांच्ड होती है और जहाँ पर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो इट इज अ नर्व सेल. ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स के आपको एग्जाम्पल्स लिए हैं. तो नर्व सेल्स का हमने बता दिया, नर्व सेल किस तरीके की होती है. ये इस तरीके की आपकी नर्व सेल बनी होती है. यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है, ये इसकी आउटर बॉडी होती है लाइक दिस. यहाँ से आपकी ब्रांचेस निकली होती हैं लाइक दिस. यहाँ पर ब्रांचेस होती हैं आपकी, एंड देन इस जो ब्रांचेस निकली होती हैं, ये जो आपके कांटेनुमा चीज आगे निकल रही है, इट इज डेंड्रिल. ऑल राइट, देन जो अंदर का मटेरियल होता है ये पार्ट, इसको आप बोलते हो सोमा, या फिर वी कॉल इट एज सेल बॉडी. उसी तरीके से यहाँ पर ये एक्सियन होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं आपस में नर्व सेल में, इसीलिए लॉन्गेस्ट बना देते हैं. ये एक्सियन होते हैं, कनेक्ट होके यहाँ से और ब्रांचेस निकलती हैं. ये क्या होते हैं, ए एक्स ओ एन. देन ये जो ब्रांचेस निकली हैं आपकी, ये होती हैं आपकी एक्सॉन टर्मिनल बटन. ऑल राइट, देन यहाँ पर मैंने आपको कुछ सेल्स दिखा रखी हैं. फॉर एग्जाम्पल स्मूथ मसल सेल किस तरीके की दिखती है, आप ब्लड सेल देख सकते हैं कैसे राउंड शेप में है, बोन सेल आप देख सकते हैं किस तरीके से, एक स्पर्म की सेल जो होती है वो कैसी होती है,
फैट सेल आपकी इस तरीके से होती है, ओवम, दिस इज ओवम एंड दिस इज योर नर्व सेल. मैंने बना भी दिया है और ये नर्व सेल यहाँ पर ऑलरेडी भी है, ठीक है. सबसे लार्जेस्ट जो होती है नर्व सेल है, तो यहाँ मैंने देखो क्लासीफाई भी कर दिया है. ये क्या होते हैं आपके डेंड्रिल्स, ये एक्सॉन होते हैं, ये दीज आर योर एक्सॉन एंड ये आपके जो बाकी, ये एक्सॉन टर्मिनल बटन, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल बटन. ऑल राइट, इतना हम डिटेल में पढ़ेंगे नहीं इसको, बिकॉज इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता. तो आगे चलते हैं. अब हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं आपके, ठीक है, उसमें प्लांट सेल और एनिमल, जो एनिमल या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन सेल में, फॉर एग्जांपल कि ये जो सेल वॉल है ये आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं. सो ये जो सेल वॉल है आपकी, इट्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल. देन वी हैव वैक्यूल्स, प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इन केस ऑफ योर एनिमल सेल इट इज एब्सेंट और इट इज स्मॉल इन साइज. प्लास्टिड्स जो होते हैं आपके, दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल. माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट अ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, सो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. पहले डिस्कस करते हैं हम एक स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में. सी जो सेल होती है इट डिफर्स इन शेप एंड साइजेस. ये हमने डिस्कस करा था, सेल के शेप में और साइज में फ़र्क होता है. ऑल सेल्स हाउएवर हैव सम सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर. द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज शोन. मैं आपको एक जर्नल स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि सेल आपकी किस तरीके से दिखती है. सी ये हमने एक राउंड सेल बनाई है, हमारी कॉमन स्ट्रक्चर है ये एक सेल का, ये राउंड एंड दिस इज ऑल राइट. ये यहाँ से आपका ये फ्लूइड है, ये पूरा का पूरा ये सेल में इट्स अ फ्लूइड. लाइक दिस. ऑल राइट, सो द आउटर कवरिंग ऑफ दिस सेल, दिस इज द आउटर कवरिंग, दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, MEMBRANE. देन वी हैव ये जो फ्लूइड है अंदर, दिस वट इज दिस नोन एज, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस फ्लूइड. एक ये वाला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया हमने डिस्कस करा था, इट्स अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, आगे भी पढ़ेंगे. दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. और जो इनर मोस्ट ये वाला होता है सेंटर में, इट इज न्यूक्लियस, ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सेल. मैंने यहाँ बना दिया आपका कॉमन स्ट्रक्चर सेल का. तो जो टिपिकल सेल होती है उसके टिपिकल सेल में आपके थ्री पार्ट्स होते हैं. सी अ टिपिकल सेल कंटेन्स थ्री पार्ट्स. कौन कौन से? पहला सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. द सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस. हमारी एक टिपिकल सेल है और टिपिकल सेल के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं. वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस. सो हम पहला डिस्कस करेंगे अपना इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में. ऑल राइट, तो ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं. इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और ये आउटर कवरिंग बनाती है, आउटर बाउंड्री बनाती है सेल की. एंड इट इज अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन. ये जो आपकी मेम्ब्रेन है ये वाली आउटर कवरिंग, सी दिस इज नोन एज योर सेल मेम्ब्रेन. ये आउटर कवरिंग बनाएगी. इट इज अ वेरी थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन एंड इट गिव्स शेप एंड साइज टू द सेल. ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये आपकी सेल को शेप और साइज देगी. राइट, तो यहाँ से आपके ये पॉइंट्स हो गए. देन आगे पढ़ते हैं इसके बारे में. इट अलाउज ओनली सर्टेन सिलेक्टेड सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल. ये क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, एक बहुत ही पतली सेल मेम्ब्रेन होती है और ये बहुत ही लिमिटेड जो सब्सटेंस है, बहुत ही लिमिटेड सब्सटेंस को अंदर एंटर करने की या फिर इस सेल से बाहर जाने की परमिशन देती है. सो इट्स बेसिकली परमिएबल सेल्स होती हैं आपकी, परमिएबल मेम्ब्रेन है ये. तो उस हिसाब से ये बहुत ही लिमिटेड उसको लीव एंड एंटर करने की परमिशन देती है.
जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल को, इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन अनदर एंड फॉर्म्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. ये सेल्स को क्या करती है, आपस में, जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करती है आपस में सेल्स को और बाकी सराउंडिंग मीडियम से. ठीक है, प्लांट सेल और जो आपकी बैक्टीरिया होती है, तो ये आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा. तो जो प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव अ आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, दिस आउटर वॉल इज नोन एज सेल वॉल. तो यहाँ पर आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि जो आपकी प्लांट्स की सेल है और एक बैक्टीरिया की सेल है, ये आपकी एक पर्टिकुलर सेल है, राइट. देन जो आपकी प्लांट सेल होती है, तो उसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग भी होती है. ठीक है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक आउटर कवरिंग भी होती है एंड दिस कवरिंग इज नोन एज दिस कवरिंग. सी, दिस कवरिंग इज नोन एज सेल वॉल इन केस ऑफ योर प्लांट सेल एंड योर बैक्टीरिया. ऑल राइट, सो सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में, ये काम क्या करती है, ये काम करती क्या है, तो ये डिस्कस करते हैं. तो आपकी जो सेल वॉल है प्लांट्स में, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टेम्परेचर वेरिएशन से, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से. क्या करती है आपकी सेल वॉल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सेल वॉल. ये आपको याद रखना है, सिर्फ ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में और बैक्टीरिया में, ये दुख हैं जिसमें सेल वॉल आपकी प्रेजेंट होती है. क्या करती है ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, सबसे पहला टेम्परेचर वेरिएशन, देन सेकेंड वन इज योर हाई विंड स्पीड, एंड थर्ड वन इज किससे ये आपको प्रोटेक्ट करती है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. ऑल राइट, सो हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर ली है. जो टिपिकल सेल है उसके तीन पार्ट्स थे आपके, हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस करेंगे हम साइटोप्लाज्म के बारे में. ओके, सो ये साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज अ थिक जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड सेल मेम्ब्रेन. ये एक सेल मेम्ब्रेन में थिक जेली लाइक फ्लूइड है. अब हमने ये सेल पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस था, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया था, यहाँ पर ये था आपका, ठीक है. देन ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक फ्लूइड, इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड, थिक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. सो इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. ये जो आपका न्यूक्लियस है बीच में और ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके बीच का जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है योर साइटोप्लाज्म. ओके, देन ऑल द लाइफ फंक्शन, जितने भी लाइफ के फंक्शंस हैं ये आपके साइटोप्लाज्म में अकर करते हैं. एंड देयर आर मेनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज इन साइटोप्लाज्म. अब ये जो साइटोप्लाज्म है आपका, जो फ्लूइड है, सैक लाइक फ्लूइड स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर भी जो है साइटोप्लाज्मिक बॉडीज आपकी प्रेजेंट होती हैं और उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स. सो दिस इज योर फ्लूइड, देन इस फ्लूइड में भी आपकी, इस फ्लूइड में भी वी हैव साइटोप्लाज्मिक बॉडीज और इन साइटोप्लाज्मिक बॉडीज को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स. ऑलराइट, सो आई होप इट इज क्लियर. सो अब आप बात करते हैं कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स है, दीज ऑल ऑर्गेनल्स इन योर साइटोप्लाज्म, दे प्ले एन एक्टिव रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ योर सेल. सो दो तरीके की सेल्स हैं आपकी, यहां पर हम डिस्कस कर लेती हूं मैं. तो एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स, देन वी हैव यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं आपकी, दे नाइदर कंटेन्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नॉर एनी इंटरनल मेम्ब्रेन दैट आर नॉट कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो जस्ट अ मिनट, आई गेस इसमें जो चार्जिंग है वो खत्म हो गई है. जस्ट अ सेकेंड,
सो आई एम बैक. सॉरी, चार्जिंग में थोड़ा सा इशू आ गया था. सो कहाँ पर थे हम? सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी प्रोकैरियोटिक एंड योर यूकैरियोटिक सेल्स. ऑलराइट, सो जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यहाँ पर क्या डिफरेंस है? मीन यहाँ पर डिफरेंस हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में. प्रोकैरियोटिक सेल्स नाइदर कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नॉर एनी इंटरनल मेम्ब्रेन. ना ही इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना ही इसमें एक इंटरनल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक में. ठीक है, देन प्रोकैरियोटिक में और क्या है आपका? दीज सेल्स have descended from oldest form of life on earth. ये सबसे oldest form of life जो थी हमारी earth पे, ये वहाँ से descend हुई हैं, वहाँ से आई हैं. Difference, अब बात करते हैं eukaryotic cell की. Eukaryotic cell क्या है? They are much larger and complex than your prokaryotic cell. In case they ask you कि what is the difference, या फिर which cell is bigger या which cell is greater, सो आपको पता होना चाहिए दैट योर यूकैरियोटिक सेल इज बिगर देन योर प्रोकैरियोटिक. अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा तो यूकैरियोटिक इज बिगर देन योर प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? एंड जो इसका स्ट्रक्चर है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन योर प्रोकैरियोटिक सेल्स. दीज सेल्स कंटेन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड डीएनए. दूसरा क्या है इसमें? अब यहाँ पर हमने प्रोकैरियोटिक में देखा था इंटरनल मेम्ब्रेन नहीं थी, बट इन केस ऑफ योर यूकैरियोटिक इट कंटेन्स अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. पहला इसमें है आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. एंड क्या होता है इसमें? इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनल्स बिसाइड इट्स न्यूक्लियस. एक तो न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है इसमें, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी होता है बिसाइड्स इट्स न्यूक्लियस. दीज ऑर्गेनल्स में, इन ऑर्गेनल्स में आपका क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टीरियम और गॉल्गी बॉडीज. देन प्लांट सेल्स जो होते हैं, दे कंटेन्स स्टिल अदर स्पेशलाइज ऑर्गेनल्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल्स, थिक और लेमिलर सेल वॉल. अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे? ये यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है? यूकैरियोटिक में जो एनिमल सेल है और जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो एनिमल सेल है आपकी, इसमें एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स होता है, इसमें बिसाइड द न्यूक्लियस यहाँ पर ऑर्गेनल्स मिलते हैं, और ऑर्गेनल्स में भी क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टीलियम, गोल्गी बॉडीज. बट इन केस ऑफ योर प्लांट सेल, यहाँ पर आपका स्पेशलाइज ऑर्गेनल्स मिलते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल्स, थिक लेमिलर सेल वॉल. ठीक है, दोनों में ये फ़र्क है. और क्लोरोप्लास्ट आपको एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट जो है वो, उसका काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है जनरेट करने का, फोटोसिंथेसिस बेसिकली ये परफॉर्म कराता है. लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते. ऑल्सो वी हैव थिक लेमिलर सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर प्लांट सेल. ओके, मूविंग फर्दर. सो थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस करा था कि जो आपकी सेल स्ट्रक्चर, एक टिपिकल सेल में तीन चीजें थी, सेल मेम्ब्रेन वी हैव डिस्कस. देन सेकेंड वन वॉज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस. सो अब इस न्यूक्लियस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. थर्ड जो पार्ट था, अ स्क्वैमस या फिर ओवल शेप्ड बॉडी फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस. सेल किस तरीके की थी हमारी? ये था आपका सेल का स्ट्रक्चर. बीच में एक ओवल शेप्ड आपका न्यूक्लियस था जो कि फ्लोट करता है कहाँ पर? आपके साइटोप्लाज्म में. और ये साइटोप्लाज्म क्या था? इट इज़ अ जेली लाइक थिक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ये थिक जेली लाइक फ्लूइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? और ये न्यूक्लियस इसके ऊपर ही, इस जेली लाइक फ्लूइड के ऊपर ही ये न्यूक्लियस जो है आपका फ्लोट करता रहता है. इट इज सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ये जो न्यूक्लियस है, ये सराउंड करता है आपका एक मेम्ब्रेन से, जो ये आउटर कवरिंग है, ये होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. अब ये आपकी जो सेल थी, सेल की आउटर कवरिंग क्या बनाती है? इट्स अ सेल मेम्ब्रेन. सो
एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल. जो एनिमल सेल्स होती हैं आपकी, फॉर एग्जाम्पल हम इसको एनिमल सेल मान के चलें, तो इट जो आपके न्यूक्लियस होगा वो सेंटर ऑफ सेल में जो है प्रेजेंट होगा, राइट. देन न्यूक्लियस क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स वाइटल फंक्शन ऑफ सेल. ये आपके वाइटल फंक्शंस ऑफ सेल को कंट्रोल करता है. एंड न्यूक्लियस जो है आपका, इट कंटेन्स फोर पार्ट्स. न्यूक्लियस हमारा चार पार्ट्स कंटेन करता है. कौन कौन सा? सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज न्यूक्लियोप्लास्ट, थर्ड वन इज न्यूक्लियस एंड फोर्थ वन इज क्रोमोसोम. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इट सराउंड्स अ न्यूक्लियस. अभी हमने डिस्कस करा था ये जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है, इट इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट सराउंड्स अ न्यूक्लियस एंड इट कंट्रोल्स एंड अलाउज दी सर्टेन द पैसेज ऑफ सर्टेन मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. अब जो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है आपका, कुछ पर्टिकुलर सर्टेन या फिर लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटीरियल को ही पास करवाता है सेल के अंदर और सेल से बाहर, राइट. सिमिलर इन केस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपका जो न्यूक्लियर की आउटर कवरिंग होती है, दैट इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और वो क्या करती है, कंट्रोल करती है और अलाउ करती है तो पैसेज ऑफ सर्टेन मटीरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस करा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में. सेकेंड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म होता है डेंस फ्लूइड इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, अब ये जो डेंस फ्लूइड हमारा सेल के अंदर था इसको बोलते हो आप साइटोप्लाज्म. जो न्यूक्लियस के अंदर डेंस फ्लूइड होता है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट. थर्ड वन इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस होता है, इट इज अ स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट कंटेन्स योर आरएनए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. ये रहा न्यूक्लियस, इसके अंदर ही आपके न्यूक्लियस के अंदर ही एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है. सिर्फ ये न्यूक्लियस ही नहीं है, इसके अंदर आपका पहला ऊपर आउटर कवरिंग होती है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये आपका न्यूक्लियस है, ये वाला ऊपर की बॉडी इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है डैट इज न्यूक्लियोप्लास्ट, देन एक स्फेरिकल बॉडी जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है, तो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. सो अगर आपसे पूछा जाए कि आरएनए दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए राइबो न्यूक्लिक एसिड आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपका न्यूक्लियस में, ऑल राइट. न्यूक्लियोलस जो है आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में. देन वी हैव द फोर्थ पॉइंट, इट इज क्रोमोजोम. इंपॉर्टेंट है क्रोमोजोम. क्रोमोजोम दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ डीएनए. देखो यहाँ पर हमने आरएनए, न्यूक्लियस में ही आपका डीएनए और आरएनए दोनों चीज प्रेजेंट होती है. आरएनए प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस में. अब बात करते हैं क्रोमोजोम की. क्रोमोजोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है कंपोज ऑफ डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड दीज कंटेन बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स नोन एज जीन्स. अब ये जो डीएनए है इस यही होता है आपका हेरिडिटी यूनिट्स, या फिर ये इसी डीएनए में हमारा बेसिक हेरिडिटी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज नोन एज जीन्स, ठीक है. जीन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. जो ये आपके जीन्स हैं जो आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर करने के लिए. ये जो डीएनए है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, और यू कैन से जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल. ऑलराइट, मूविंग फर्दर. फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ऑफ अ सेल हैज फॉलोइंग फंक्शन. अब ये जो न्यूक्लियस है आपका सेल का, इसके अलग अलग फंक्शंस हैं. क्या क्या? पहला, ये करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. आपके हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर करता है. दूसरा, जितने भी लाइफ फंक्शन आपके सेल में हो रहे होते हैं इनसाइड योर सेल, दैट इट इज कंट्रोल्ड बाय योर न्यूक्लियस. ओके,
So this is all for today. Tomorrow I will discuss about the cell organelles. Then I will discuss about lysosomes, centrosomes, and I will cover two parts of this video and your chapter will be completed. I hope you liked it. If you have any doubt, we have provided you an email ID. We have provided you with our WhatsApp number. We have provided you with our Telegram channel. You can contact us anywhere. If you feel like, if you have any doubt, if you want to join our channel, there is a join button. You can join from there. And doubts, either you can mention in comment box or you can mention or you can personally message me. All right. Stay home, stay safe and take care and keep studying. Take screenshots wherever and whenever necessary. Thank you.